बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव राव जी सतपाल अंबेडकर जी के अनुयायी और विपस्सना, ये सवाल 10-15 साल से मेरा पीछा कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि विपस्सना ने, खासतौर से जो एस एन गोयनका जी जो विपस्सना भारत में सिखा रहे हैं या आज की डेट में उनके नाम से सिखाई जा रही है, उस विपस्सना ने अंबेडकर अनुयायियों को ठंडा कर दिया और वो किसी काम के नहीं रहे। उन्होंने उनको बेकार कर दिया और कई निगेटिव शब्द उनके लिए इस्तेमाल होते हैं जो बोले नहीं जा सकते। ये बात क्योंकि 2003 में मैंने पहली बार विपस्सना की थी, वो मेरे सर में कभी आई नहीं, सर के ऊपर से चली गई। मैंने काफी ध्यान लगाया और काफी इसका खोजबीन की कि ये कौन लोग हैं जो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि विपस्सना के बारे में जो निगेटिव बातें कर रहे हैं वो लोग हैं जो अंबेडकर आइडियोलॉजी में हिंसा को ढूंढते हैं और किसी व्यक्ति के, किसी समूह के खिलाफ में कुछ लोगों को तैयार करते हैं और कहते हैं ये लोग हैं जिन्होंने सारा कुछ इन्होंने किया है। और ऐसा करके वो उन लोगों को जब भड़काते हैं, और कुछ लोग जो भगवान बुद्ध की राह पर, क्योंकि बाबा साहब ने, बोधिसत्व ने 1956 में जो धम्म दिया है, उस धम्म को सीखने के लिए जब एस एन गोयनका के कैंप में जाते हैं तो वहां से धम्म सीखने के बाद में उन लोगों की बात नहीं मानते, ना उनके भड़काए में आते हैं, तो वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। और जब वो उनको छोड़ के चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे कुछ लोग विपस्सना में आए और बेकार हो गए, यानी अब उनके काम के नहीं रहे, अब वो हिंसा नहीं करते या हिंसा की बात नहीं करते, मरने मारने की बात नहीं करते। दरअसल विपस्सना के बहुत सारे एंगल हैं, मैं आज आपको बताऊंगा कि विपस्सना कैसे कैसे काम करती है। जैसे क्या विपस्सना वास्तव में मनुष्य को ठंडा कर देती है, क्या विपस्सना जो अंबेडकर के अनुयायी हैं उनके लिए भांग का काम कर रही है, नशे का काम कर रही है, क्या अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर विपस्सना के खिलाफ रहे हैं या थे, क्या विपस्सना अच्छी है, क्या विपस्सना करके सही तौर से अंबेडकर के प्रबुद्ध भारत का सपना साकार आकार किया जा सकता है या हो सकता है, विपस्सना से क्या अशोक ने जो वृद्ध भारत था उसको अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाया और भारत को बड़ा शक्तिशाली बनाया उस टेक्निक से, और मैंने भी विपस्सना की है इस बारे में भी। तो दरअसल सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उन लोगों को छोड़कर जो लोग गए हैं उसका कारण समझिए। वो लोग जो किसी नेता से चिपके रहे, किसी ग्रुप से, किसी संगठन से चिपके रहे, अपना तन मन धन उन्होंने दिया और सारे काम उन्होंने अपने नेता के कहने पे किए, मगर परिणाम नहीं आए, यानी कि मुक्ति नहीं मिली, उन्हें सुख सुविधाएं नहीं मिली, बल्कि और उनकी सुख सुविधाएं चली गईं। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो आरक्षण लेके आए थे या जो संविधान में प्रदत्त जितनी सुविधाएं थी वो लेके आए थे, वो एक एक करके जाने लगी। भारत को अच्छा बनने की बजाय वो खराब हो गया और उनको नुकसान हो गया, और वो संगठन जिनको उन्होंने विश्वास किया था वो रोक नहीं पाए। तो वो जब धम्म की राह पे चले और एस एन गोयनका जी के कैंप में जाके विपस्सना सीखी तो उनको धम्म का ABCD का पता चला, फिर वो धम्म को सीखने में लग गए। और जब धम्म को सीखने में लग गए तो उनको ये समझ में आ गया कि धम्म कैसा है कैसा नहीं है, और वो उन्होंने वो मार्ग चुना, बाकी दूसरा मार्ग छोड़ दिया, यानी बाबा साहब का 1956 के बाद का मार्ग धम्म का, प्रबुद्ध भारत का चुन लिया उन्होंने। पहली बात तो उनका कार्यकर्ता चला गया, उनका पैसा चला गया, उनकी संख्या चली गई, तो उनको दर्द हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये विपस्सना ठीक नहीं है, ये आदमी को एक तरह से कहते हैं कि आ देती है, किसी काम का नहीं छोड़ती है, ठंडा कर देती है, इसमें नहीं जाना। और उन्होंने एस एन गोयनका जी और उनके जितने भी लोग हैं उनकी खूब बुराइयां भी शुरू की, हालांकि उन्होंने विपस्सना करके देखा नहीं है। दरअसल उनको सबसे पहले विपस्सना का एक कोर्स करके देखना चाहिए था, जब वो विपस्सना का कोर्स करके देख आते उसके बाद में उसका विश्लेषण करते तो बेहतर होता, ज्यादा अच्छा होता, फिर वो ज्यादा एनालिसिस करके अच्छी तरह से बता पाते। पहली बात। दूसरी बात, क्या विपस्सना ठंडा कर देती है? ऐसा नहीं है कि विपस्सना ठंडा कर देती है। दरअसल विपस्सना एक आग शरीर के अंदर व्यवस्थित तरीके से आपके अंदर डाल देती है, क्योंकि भगवान बुद्ध पूरे जीवन लड़े और उन्होंने पूरे जीवन विपस्सना सिखाई और सभी को पढ़ाया लिखाया, तो भगवान बुद्ध के अनुयायी तो ठंडे नहीं पड़े, सम्राट अशोक तो ठंडे नहीं पड़े, सम्राट अशोक के बाद के जो लोग थे वो तो ठंडे नहीं पड़े। वृद्ध भारत को उन्होंने रखा, वृद्ध भारत को चलाया और उनकी सीमाओं में कोई घुसा भी नहीं, तो वो ठंडे तो नहीं पड़े।
और खुद जितने विपसना करने वाले लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब ज्यादा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब बोधिसत्व का ज्यादा काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो इसलिए विपसना को ये कहना कि विपसना ठंडा कर देती है बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि मैंने खुद की हुई है। मैं तो और ज्यादा अच्छी एनर्जी के साथ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बोधिसत्व का काम करता हूँ और भगवान बुद्ध का भी काम करता हूँ। अब मेरी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है और मुझे अब मायूसी भी नहीं आती, बल्कि विपसना करने के बाद में डिप्रेशन भी आप लोगों का दूर कर सकते हैं, अपना तो कर ही सकते हैं, औरों का भी दूर कर सकते हैं। तो विपसना ठंडा करने की बजाय और ज्यादा अग्नि देती है और ज्यादा ऊर्जा देती है, मगर व्यवस्थित तरीके से देती है, ऐसे देती है सिस्टमाइज तरीके से, जैसे भगवान बुद्ध के जितने भिक्खु थे वो ऊर्जावान थे मगर सब व्यवस्थित थे, सब डिसिप्लिन थे, सारे डिसिपल्स थे, डिसिप्लिन में रहते थे, कहीं इधर उधर उल्टी सीधी हरकत नहीं करते थे, ना ही भागते थे, अपने ऑब्जेक्ट पर ध्यान देते थे और अपना काम करते थे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि विपसना चूंकि पूरी दुनिया में सभी मनुष्यों के लिए खुली हुई है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी जो आते हैं विपसना सेंटर में वो मात्र 10-15% रहे होंगे। बाकी जो 80%, 85% या 90% लोग हैं वो लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी के फॉलोवर नहीं हैं, बाकी और अन्य जो मत है उनके फॉलोवर हैं, और वो भी विपसना सीख के, धम्म को सीख के, धम्म को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि धम्म है ही इतना अच्छा, है ही इतना बढ़िया, जिसका कोई जवाब ही नहीं है, जो भारत को बहुत महासशक्त और महाशक्तिशाली बना सकता है और बना रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात, क्या विपसना अंबेडकर वादियों के लिए भांग है? बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल क्योंकि चीन के अंदर जो लोग विपसना करते थे वो बहुत बार उनको ये कहा गया कि ये ओपियम है, ये नशा है, क्योंकि वो इतने शक्तिशाली होते थे और वो इतने शक्तिशाली अपने आप को डिसिप्लिन करके रखते थे कि लोगों को ताज्जुब होता था कि ये इतने ज्यादा डिसिप्लिन रहते कैसे हैं, ये इतने शांत कैसे रहते हैं। दरअसल उनकी शांति को देख के ऐसा लगा जैसे वो नशे में रहते हैं। विपसना करने के बाद में शक्तिशाली आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है, मगर शक्ति कहीं नहीं जाती, शांति से अपनी शक्ति का, अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, अपने उत्थान के लिए, अपने लोगों के उत्थान के लिए और अपने देश के उत्थान के लिए। चीन आज इसी राह पे सबसे आगे बढ़ा हुआ है। जापान का एग्जाम्पल आपने देखा है कितने शांत तरीके से वो पूरी दुनिया पे, जबकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो पूरी तरह से खत्म हो गए, दो उनके छोटे छोटा छोटा सा तो देश है और उसमें भी दो जगह उन्होंने परमाणु बम डाल दिए, फिर भी वो देश आज महाशक्ति बना हुआ है। आप उस जरा से देश को देख सकते हैं कि कितनी महाशक्ति है, कितने लोग उसे प्रेरणा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये टेक्निक सीखकर अपनी शक्ति को बहुत अच्छी तरह से डिसिप्लिन किया, रेगुलेट किया और वो उस शक्ति के तहत में अपनी ऊर्जा सारी लगा के दुनिया की महाशक्ति बन बैठे। चौथी बात, क्या डॉक्टर अंबेडकर विपसना के खिलाफ थे? दरअसल डॉक्टर अंबेडकर इस सवाल का जवाब देते तो बेहतर होता, मगर चूंकि वो है नहीं, उनका साहित्य है, उनका साहित्य जो उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब दी है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, और पूरा पढ़ के दी है, जब पढ़ के दी है तो विनय पीटक भी पढ़ा है उन्होंने, और विनय पीटक में साफ लिखा हुआ है भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं एक भी शब्द वो नहीं बता रहा या वो नहीं बताऊंगा जो मैंने अनुभव नहीं किया है। ये सुनिए इस सेंटेंस को दोबारा, वो ये कह रहे हैं कि जो मैंने अनुभव नहीं किया है वो एक भी शब्द मैं दुनिया में किसी को नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो मैंने अनुभव किया है, यानी जो मैंने सीखा है, जो मैंने जाना है। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, दुनिया में एक भी ऐसा संत नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहता हो कि जितना मैं जानता हूं उतना बताऊंगा, उससे आगे कुछ नहीं बताऊंगा। यहां तो जानता कोई कुछ नहीं है और बता देगा पूरी पूरी कहानी, जानता कह कहेगा नहीं है, पढ़ा देगा पूरी वर्णमाला, जानता कुछ नहीं है बता देगा अंतरिक्ष का और आकाश का और 100 जन्मों का और 1000 जन्मों का, जानता कुछ नहीं है पूरी भविष्यवाणी बता देगा क्या है क्या नहीं, और ये नहीं पता कि चीन कब अटैक करने वाला है और पाकिस्तान कब अटैक करने वाला है और हमारा रुपया कब खत्म होने वाला है और हमारा देश में महामारी कब आने वाली है, ये तक कोई बता नहीं सकता, और सब बातें वो बताने को तैयार रहते हैं। तो भगवान बुद्ध बिल्कुल अलग हैं इसमें, वो कहते हैं जितना आता है उतना ही मैं बताऊंगा, तो जितना आया उतना बताया, इसलिए सारा कुछ उन्होंने विपसना के आधार पे बताया। विपसना क्या है? विपसना, वी माने होता है विशेष और पस माने होता है देखना, यानी कि विशेष रूप से देखा गया। विशेष रूप से देखा गया मतलब आंखों से तो सभी देखते हैं, मगर आंखों से ना देख के मन से देखा हुआ और परे की स्थिति, यानी कि जो दिखाई दे रहा है एक्चुअल सीन है, उसके परे क्या चल रहा है, उसको देखने को विपसना बोलते हैं। तो आपके शरीर में जो चल रहा है, जो शरीर कैसे काम कर रहा है, इसको देखने को विपसना बोलते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर क्या इतनी सी बात नहीं समझे होंगे कि उसमें पसना और विपसना शब्द आता है,
और कितनी बार आता है कि मैं स्मृति में हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं जागा हुआ हूँ, मेरे चक्षु खुले हुए हैं, मेरी आँख खुली हुई है, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। दिव्य का मतलब है मन से देखना, बिना आंखों के आंखों से परे देखना। तो कितने सारे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। क्या दुनिया का दूसरे नंबर का विद्वान नहीं जानता कि ये जो वाणी है, ये जो बात बताई गई है, सारी प्रैक्टिकल पे आधारित है? और इसलिए तो भगवान बुद्ध की बात को वो समर्थन करे, इसलिए तो उन्होंने धम्म को अपनाया। और जो व्यक्ति आठ सील के लिए और दस पारमिता के लिए अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में बात करता है या पंचशील देता है, तो अष्टशील मार्ग या अष्टांगिक मार्ग, एट फोल्ड पाथ, तो बिना विपस्ना के संभव ही नहीं है। यानी आप उसे पूरे जीवन में हजार बार पढ़ लो, कोई फर्क नहीं आने वाला लाइफ में। आप एक बार अगर विपस्ना करके आओगे तो आपको बिना पढ़े भी एट फोल्ड पाथ समझ में आ जाएगा, उतर जाएगा आपके शरीर के अंदर। वरना आप रोज रट्टा मारो किताब का, रोज पढ़ो, ये सम्यक दृष्टि है, ये सम्यक वाणी है, ये सम्यक ये है, ये सम्यक आजीवियो है, ये सम्यक व्यायामो है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि व्यायामों को कोई तो समझता है कि ईंट उठा के एक्सरसाइज करनी है, कोई समझता है डंबल उठा के एक्सरसाइज करनी है, कोई समझता है कसरत करनी है दंड में, कोई समझता है व्यायाम करना है। अरे शारीरिक व्यायाम नहीं है भाई, मानसिक व्यायाम की बात हो रही है, शारीरिक व्यायाम की नहीं है। सम्मा सती का मतलब कोई स्मृति और मेमोरी समझ लेता है भाई, मेमोरी की बात नहीं है। तो सारा भगवान बुद्ध ने देखा समझा जाना वही बोला, तो बाबा साहब उसको कैसे मना कर सकते हैं, कैसे डिनाई कर सकते हैं? अगर वो विपस्सना को मना करेंगे तो सबसे पहले आठ फुट पाथ को मना करेंगे, दस पारमिता को मना करेंगे, अनुभव करने को मना करेंगे, प्रैक्टिस करने को मना करेंगे, रटने को कहेंगे, फिर तो रटो भाई। इसलिए बताते हैं कि बाबा साहब ने कहीं प्रैक्टिस करने के लिए शायद की है या नहीं की है, कुछ लोग जानते हैं। मैंने अभी उनका पूरा साहित्य नहीं पढ़ा, जब पढ़ूंगा तो मैं बता दूंगा, आपको कोई विद्वान बता देगा। एक बात फिर आती है, पांचवी बात, क्या विपस्सना अच्छी है? विपस्सना का अच्छा और बुरा होना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसे सम्मा तरीके से, सम्यक तरीके से, राइट तरीके से, जैसी है वैसी करेंगे, जैसे बताई जा रही है विस्तार से करेंगे, तो बहुत फायदेमंद है। और आप अपने तरीके से करेंगे, असम्यक तरह से करेंगे, ठीक तरह से नहीं करेंगे, तो फिर वो आपके लिए लाभकारी की बजाय हानिकारक हो जाएगी। दरअसल विपस्सना एक नंगी तलवार है, दोधारी तलवार है, उसका इस्तेमाल गलत करके भारत से धम्म को हटाया गया विपस्सना के थ्रू, जो धम्म है उसके थ्रू। यानी धम्म जो दिया है भगवान बुद्ध ने, उसमें हर जगह सम्यक लगाया है, सम्मा लगाया है। ठीक ऐसे जैसे तलवार अगर किसी गर्दन काट सकती है तो किसी को बचा भी सकती है, चाकू किसी के पेट में जा भी सकता है तो वो तरबूज के पेट में जा सकता है, एक दवाई है जिसे खाने से व्यक्ति बच भी सकता है और वही दवाई को दूसरा खा ले तो मर भी सकता है। तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही जो विपस्सना है बहुत सारे लोगों को बड़ा लाभ देती है, जो सही तरीके से करते हैं। और जो इसमें अपनी बुद्धि जोड़ देते हैं, अपना एक्सपीरियंस जोड़ देते हैं और अपने आप को सुपर डुपर गुरु मान के अपना दिमाग लगा के इसमें कुछ ना कुछ मिक्स कर देते हैं, उनको नुकसान देती है। वेरी फ्रैंक है, वेरी क्लियर है, आप अगर विपस्सना सीखें तो अपना एक्सपेरिमेंट ना करें, पहले समझ लें, पहले उसको इस तरह जान लें, फिर करें। क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज में आदमी पागल भी हो सकता है, आदमी ठीक भी हो सकता है। यानी वो मेंटल आदमियों को ठीक भी कर देती है और ठीक आदमियों को मेंटल भी कर सकती है, दोनों ही तरह हैं। इसलिए आपको सम्मा तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। छठी बात, क्या विपस्सना करके सही तौर से अंबेडकर के प्रबुद्ध भारत को समझा कर साकार आकार दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। दरअसल विपस्सना आपकी बुराइयों को आपको देखना सिखाती है। आपके शरीर में जैसे आपने चोरी की, चोरी करने के बाद आप अपने शरीर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पसीना आ गया, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपके टांगे कांप रही हैं, आपके हाथ काट रही हैं, आपकी आंखें दर्द हो रही हैं, आपकी बातें बंद हो गई, आप हकलाने लगे, आप झुकलाने लगे, आप जोर से बोलने लगे, कोई ना कोई चोरी जैसी मन में आएगी या चोरी करेंगे तो शरीर पंतरा जाएगा। तो विपस्सना बता देती है कि भाई तेरा हार्ट फेल होने वाला है, तूने ये पाप किया है, तेरे शरीर में बीमारी आ गई है, तूने ये गलत काम किए हैं, भाई तू शराब पीता है, तू नशा करता है, अब तेरा ये लीवर खराब है। विपस्सना से सब पता चलता है, अंदर के एक एक बॉडी के पार्ट का कनेक्शन होता है, वहां से टेलीफोन आते रहते हैं कि भाई तेरा ये खराब हो गया, तेरा ये खराब हो गया, अब तेरा ये खराब हो गया। और जब आप विपस्सना सही तरीके से करते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं, तो अंदर से टेलीफोन आता है कि अब तेरा ये पार्ट भी ठीक है, अब ये चीज भी ठीक है, अब ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो पता चलता है कि शरीर अभी कुछ दिन और चलेगा, अब सुख शांति में। तो विपस्सना करने से बुराइयां जाती हैं। आप शराब छोड़ दोगे, चोरी छोड़ दोगे, हिंसा छोड़ दोगे, आप झूठ बोलना छोड़ दोगे, आप व्यभिचार छोड़ दोगे, ये जितनी बुराइयां हैं वो आप छोड़ दोगे तो आप वैसे ही सुखी हो जाओगे, कम आमदनी भी होगी तो भी आपका पैसा बच जाएगा। इसलिए विपस्सना से
डॉक्टर अंबेडकर के सपने को प्रबुद्ध भारत को 100% साकार किया जा सकता है, आकार किया जा सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर। एस एन गोयनका जी के शिविर में कहीं नहीं कहा जाता आपसे कि आपने किसी का चेला बनना है या डॉक्टर अंबेडकर का चेला नहीं बनना है या डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं माननी है या कबीर की बात नहीं माननी है या आपने किसी भी व्यक्ति महान की बात नहीं माननी है। कुछ नहीं सिखाते वहां पर, वहां सिर्फ विपसना सिखाते हैं। एस एन गोयनका जी के कैंप के अंदर कहीं नहीं सिखाया जाता आपको कि आपको यहां से जाने के बाद में ये चीज माननी है या नहीं माननी है। 10 दिन तक उनके नियम माने, उसके बाद में आपकी मर्जी, आप किसी मत में जाओ, कुछ भी मानो, किसी को भी करो, और कोई रोक टोक नहीं। फिर सातवीं बात आती है, विपसना से क्या अशोक के वृद्ध भारत का जड़ें मजबूत हुई? क्या अशोक का जो वृद्ध भारत था वो बहुत अच्छा चला? क्या जो भगवान बुद्ध ने जो टेक्निक डेवलप की और जो पूरी दुनिया को सिखाई, क्या वो भारत में असर किया? 100% किया। दरअसल जब तक अशोक ने तलवार उठाई, जब तक वो पंचशील के सिद्धांत पर आधारित नहीं थे, जब तक उन्होंने मारकाट मचाई, तब तक वो प्रचंड थे, तब तक बहुत बुरे अशोक रहे। लोग उनकी बात नहीं मानते थे, भय रहता था, डरते थे, सीमाओं पर हलचल मची रहती थी, झगड़े रोज होते रहते थे और वो अशांत रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक भिक्खु जा रहा है और बड़ा शांत है, बड़ा खुश है। तो सम्राट अशोक को ध्यान आया कि भाई मैं इतने बड़े मलकियत का मालिक हूँ, इतना ज़्यादा राजा हूँ, इतना बड़ा राज्य मेरा है और मैं परेशान हूँ, और ये देखो एक कपड़े में जा रहा है, कितना मस्त है, इसको बुलाओ जरा। उसको बुलाया, पूछा भाई तुम कैसे इतने खुश रहते हो? तो उसने भगवान बुद्ध की गाथा बताई, उसने बताया कि हम तो ये चीज़ें पालन करते हैं इसलिए हम खुश रहते हैं, हमारे पास में कहीं कोई तृष्णा या कहीं कोई राग या कहीं कोई द्वेष नहीं है। तो उसको समझ में आ गया कि भाई ये ठीक कह रहा है, सारा कुछ राजपाट जीतने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ और ये खुश है तो इसका कारण मन से है, मेरे अंदर है, राजपाट में खुशी नहीं है। बस वो तभी से पूरी जनता को खुश करने के लिए वो नियम राज्य में लागू कर देता है, पूरे राज्य में खुशहाली हो जाती है, पूरा जो राज्य है वो अपना काम करने लगता है, व्यापार चला जाता है, चोरी चकारी चली जाती है। 26% से ज़्यादा GDP बताते हैं पूरी दुनिया की भारत में, और इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, इतने बड़े बड़े शिक्षा केंद्र, वो सब कुछ जो भगवान बुद्ध ने सिखाया वो 200-300 सालों में बढ़ के इतना हो गया। और उसका लाभ सम्राट अशोक को ये मिला कि उसकी सीमाओं पे कभी आक्रमण नहीं हुआ, लोग हमेशा लॉयल रहे, भरपूर रहे, ना वहाँ भुखमरी आई, ना वहाँ परेशानी आई, वहाँ काम भी खूब था, बिजनेस भी खूब था, राज्य खूब बढ़िया चला और सम्राट अशोक ने खूब जनता के लिए काम करवाए और खूब सारे उसने अस्पताल, भवन, पानी का प्याऊ, खाने के लिए होटल, सराय वगैरह, ये सब खूब बनवाए और सबसे बढ़िया राज, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा राज कायम रहा। मैंने भी विपसना की है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ कि विपसना करने के बाद में आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी जानते हैं तो काम करने का मजा बढ़ जाएगा। आप अगर कबीर की आइडियोलॉजी जानते हैं तो काम करने का मजा बढ़ जाएगा। आप अगर संत शिरोमणि गुरु रविदास की आइडियोलॉजी, जो ओरिजिनल आइडियोलॉजी है, उसको जानते हैं तो काम करने का मजा बढ़ जाएगा। और कहीं आप अगर बुद्ध की आइडियोलॉजी जानते हैं तो फिर तो आपके कहने क्या, क्योंकि बुद्ध की तो हर सेंटेंस में विपसना है, हर सेंटों की, भगवान बुद्ध तो खुद ही 24 घंटे विपसना में रहते थे अनडाउटली, यानी कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद विपसना में रह के 45 साल तक दुनिया को पढ़ाता रहा और पूरी दुनिया पढ़ गई और आज पूरी दुनिया मानती है, वो विपसना खराब नहीं हो सकती। अगर वो खराब होती तो पूरी दुनिया में खराब होती, पूरी दुनिया के लोग मान रहे हैं। अब तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ये जितने भी कंट्री है, यहाँ बहुत सारे सेंटर खुल चुके हैं। 100 से ज्यादा सेंटर तो गोयनका जी ने खोले हैं बाहर, इसके अलावा लोगों ने अपने खोल रखे घरों में, इसके अलावा बहुत तेजी से लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। अगर आप विपसना नहीं करेंगे तो मैं दावे से, गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि आप पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी, क्योंकि दुनिया शांति के मार्ग पर आगे बढ़ चुकी है, तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ चुकी है। यही रास्ता है, बुद्ध का शासन दोबारा से आरंभ हो चुका है। 1956 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो बोधिसत्व हैं, उन्होंने दोबारा से बुद्ध के शासन का जो धम्म चक्र है वो प्रवर्तन किया, चलाया, मूविंग फॉरवर्ड किया। तब से लेकर अब तक लगातार बहुत लोग इसको सीख रहे हैं, बहुत तेजी से सीख रहे हैं। इसलिए उन नेताओं की बात मत मानिए जो बिना विपसना को चेक किए, बिना विपसना को अनुभव किए, बिना विपसना को जाने, बिना विपसना को एक्सपीरियंस किए गाली बकते हैं, सिर्फ इसलिए उनका कार्यकर्ता उनको छोड़ के चला गया या कहें कि लात मारकर चला गया। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं।
उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Sangam Sirunam Gacchami.